मेरे तरफ से मतलब बस निशुल्क है, कोई मुझे आमंत्रित करते हैं वो रंग वगैरह मुझे प्रोवाइड करते हैं, मेरे तरफ से किन्हीं से भी कुछ मांग नहीं रहता है। सम्मान स्वरूप लोग कर देते हैं, लेकिन मेरे तरफ से किन्हीं से भी एक रुपया भी मैं मांग नहीं करता हूँ। मेरा मिशन है 32,000 गाँव में झारखंडी संस्कृति को विकसित करना और उत्थान के लिए, और जो आने वाला जो जनरेशन है वो कम से कम जाने भगवान बिरसा मुंडा कौन है, शहीद निर्मल महतो कौन है, बाबा राम भीमराव अम्बेडकर कौन है। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग आए हुए हैं देसावली थान, जो कि बलियारी पुटकी में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ये बनाए हुए हैं महावीर स्वामी, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार है, और कहीं पर भी जाते हैं तो हमेशा निःशुल्क चित्र बनाते हैं, निःशुल्क में सब कार्य करते हैं। जितने भी चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब महावीर स्वामी ने बनाए हैं। और चलिए आज मिलते हैं महावीर स्वामी से, उनसे कुछ बातें करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, माय झारखंड चैनल का तहे दिल से धन्यवाद कि आप देसवाली मेला परिसर में पहुँचे, तो आपका चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं माटी चित्रकार हूँ और पैसे से चित्रकार हूँ, और अभी झारखंड की जो विलुप्त हो रही है कल्चर शहीद आंदोलनकारी, उनको हम पूरे राज्य में आज 13 महीना से लगातार एक गति दे रहे हैं। और अभी हम 32वां गाँव देसवाली मेला पुटकी अंतर्गत आता है, धनबाद से वही 8-10 किलोमीटर, और अभी यहीं पे पेंटिंग बना रहे हैं, कमेटी वाले आमंत्रित किए थे। और ये मेला बहुत ही प्राचीन है, आदिकाल से मैंने लगती आ रही है। अभी भले दीवार बाउंड्री वगैरह दिख रही हैं, देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ गाछ पात जो होता है आदिवासी मूलवासी का, वैसे ही प्रकृति के बीच में माँ देसवाली माँ देसवाली विराजमान है। और अभी मेला 5-6 फरवरी 2 दिन का मेला मैंने लगेगा, और उसमें 5 फरवरी को मैंने रात्रि जागरण होगा, और उसके साथ साथ 6 को मैंने झूला उला में सब पूरा सब परिवार पूरे राज्य से लोग आते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ इसी मौके में मुझे भी पेंटिंग बनाने का आमंत्रित मिला था, और 5 दिन में जो भी हुआ, मैं लगभग 9 झारखंड आंदोलनकारी के चित्र बनाए हैं, उसमें एक भारत के स्वतंत्र सेनानियों का भी बनाए हैं, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसके अलावा झारखंड के वीर पुरुष वीर सपूत शहीद निर्मल महतो, विनोद बाबू, शहीद सुनील महतो, भगवान बिरसा मुंडा, इस तरह के चित्र बनाए हैं। और साथ ही साथ में अभी ढोल नगाड़े के चित्र भी बना रहे हैं, और अभी मुझे कल तक इसको फिनिश करना है जी। आप हर जगह फ्री में करते हैं ना? मेरे तरफ से बस निःशुल्क है, कोई मुझे आमंत्रित करते हैं वो रंग वगैरह मुझे प्रोवाइड करते हैं, मेरे तरफ से किन्हीं से भी कुछ मांग नहीं रहता है। सम्मान स्वरूप लोग कर देते हैं, लेकिन मेरे तरफ से किन्हीं से भी एक रुपया भी मैं मांग नहीं करता हूँ। बहुत जगह होता है कि लोग मैंने कहते हैं कि आपका भी परिवार है तो थोड़ा सा आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लगातार इस तरह की संस्कृति को डेवलप कीजिए, आपको दिक्कत ना हो, सम्मान स्वरूप लोग करते हैं। लेकिन मेरे तरफ से 13 महीने में मैं किन्हीं से भी चार्जेस नहीं करता हूँ, क्योंकि निःशुल्क इसलिए किया हूँ ताकि मेरे समाज में इतना बजट नहीं है। अभी हम यदि इतनी बड़ी पेंटिंग के लिए अगर कोई फिक्स चार्ज बोल देंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह के संस्कृति के चित्र नहीं बनेंगे। गांव घर में समाज में लोग जीविका के लिए खाएंगे कि पेंटिंग्स बनाएंगे, तो इसीलिए आज 22 साल राज्य का गठन हुआ, और कहीं ना कहीं झारखंड की भाषा संस्कृति सभ्यता विलुप्त है। मेरा माध्यम मेरा विधा चित्रकारिता है, तो मैं चित्रकारिता से कला से क्रांति करना, और मेरा मिशन है 32,000 गाँव में झारखंडी संस्कृति को विकसित करना। और आपके चैनल से अगर कोई देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल देरी होगा लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आपका कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, नंबर है 8235164870 8285164870। हाँ, भले देरी हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास 750 से ज़्यादा लिस्ट है 2400 जिला से। अभी आपका बुकिंग चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किन्हीं लिस्ट को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे कि अभी देसवाली मेला का बहुत पहले से नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत लोग आएंगे, मेला का अवसर है, तो मेरे ख्याल से इस जगह संस्कृति सभ्यता बनाने से लोग मेले के अवसर पर घूमने भी आएंगे, मेला भी अच्छा लगेगा, और ये जो संस्कृति है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आज हम लोग का गाँव में जो लोक कला है झारखंड का, ये सब चित्र देखने को नहीं मिलता था। विशेष मेला जाना होता था, शक्ति मेला या तो विनोद मेला या तो एक शहर जाना होता था, लेकिन मैंने झारखंड का संस्कृति है उसको गांव के निम्न वर्ग में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे समाज में देखिए संस्कृति जो होती है ना,
गांव के लोग ही करते हैं, शहर में नहीं होता है करम परब, भक्ता परब, टुसु परब, गांव के लोग ही संस्कृति सभ्यता को मैंने करते हैं। तो मुझे लगा कि समर्पण है मेरा कला कि मैंने समाज का मतलब है कि संस्कृति का उत्थान के लिए, और जो आने वाला जो जनरेशन है वो कम से कम जाने भगवान बिरसा मुंडा कौन है, शहीद निर्मल महतो कौन है, बाबा राम भीमराव अम्बेडकर कौन है। तो मैं लोक कला के माध्यम से आप देख ही सकते हैं पूरा शुरू से लास्ट तक सब झारखंडी संस्कृति से संबंधित ही चित्र हैं, और यह बना के फिर मुझे दूसरा जगह जाना है। अब अगला नेक्स्ट कहाँ जाएंगे अभी? नेक्स्ट अभी बहुत सारे लिस्ट हैं, अभी तो मैं जैसे 6 तारीख फिनिश होने के बाद मैंने फिर डिसाइड कर लूँगा। ऐसे गोड्डा होली के समय मैं गोड्डा में रहूँगा, हाँ गोड्डा आदिवासी परिवार मैंने बुलाए हैं, वहाँ का सरना स्थल है, सरना स्थल में बोले हम लोग भगवान बिरसा जी।